नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी, हम सब भी अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषपाल व्लॉग पर। और जी, अभी हो रखा है सुबह का समय, तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी मॉर्निंग से हुई है। और मैं छत पर आई थी मशीन में कपड़े लगाने के लिए, तो अभी मैं मशीन में कपड़े लगा दूँगी। और फिर आज ना मुझे जो सबसे ऊपर की छत है ना, वो साफ़ करनी है, तो उसको साफ़ करूँगी। और यहाँ पर हैप्पी जी बैठे हुए हैं, रात को इधर ही सोता है हैप्पी ना। और ये देखो, इसके लिए हम रात को लाइट जला करके रखते हैं, ये वाली। तो अब इसको बंद कर देती हूँ, अब तो उजाला हो गया है। तो मैं ही ऊपर आई हूँ। पहले जब वो ऊपर आते थे तो वही सारे काम करते थे, पेड़ों में पानी देना, हैप्पी को घुमाना, लाइट वगैरह देखना, सारे काम वही करते थे, चिड़ियाओं को दाना डालना। तो चिड़ियाओं को तो दाना खैर मैं अभी भी नहीं डालती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इस वाली सीढ़ी पर चढ़ने में ना, क्योंकि दो बार तो वो गिर चुके हैं और मुझे लगता है कहीं मैं गिर गई ना तो बस गई मैं तो काम से, इसलिए मैं सीढ़ी पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ती हूँ। और ये देखो, सुबह सुबह का है हमारी गली का नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो अभी जाऊँगी ऊपर वाली छत पर, फिर वहाँ जा करके सफाई करूँगी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते पत्ते हो रखे हैं। इसके तो कांटे बहुत तेज चुभते हैं, इतने शार्प है ना इसके, ये बहुत तेज चुभ जाते हैं। और ये देखो, खाना खाया तो नहीं चिड़ियाओं ने। आज मैं यहाँ पे सफाई करूँगी सारे में ना। ओए, झाड़ू का यही निकल गया हैंडल। कैसे फंस गया पत्ता से। ये देखो कितना सारा कूड़ा निकला है। मोस्टली मैंने सभी गमलों के पीछे साफ कर दिया है। ये देखो, टंकी भर गई ना, पानी पानी हो गया छत पर। और मैं एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो, ये भी मैंने गौर ही नहीं करा इसका, और बिल्कुल इसके पास नहीं था, इधर से कूड़ा निकाल रही थी, बच गई मेरी आंख बाल बाल, वरना आज इसने ना काम तमाम कर दिया था मेरी आंख का। चलो जी, कूड़ा भरते हैं अब। तो फ्रेंड्स, पूरी ऊपर वाली पूरी छत मैंने साफ़ कर दी है, जीना भी साफ़ कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। सुबह की चाय तो हम लोग पी चुके थे, उसके बाद ही मैं छत पर गई थी, क्योंकि आज ना मैंने पेड़ों में पानी नहीं दिया है। पेड़ों में पानी मैं शाम को दूंगी, क्योंकि ऊपर वाली छत ना बहुत ही गंदी हो रखी थी। वैसे तो मुझे कल शाम को साफ़ करनी थी वो, लेकिन फिर मेरा बस टाइम ही नहीं लगा जाने का। अब मुझे मॉर्निंग में मैंने बोला कि साफ़ कर देती हूँ, वरना फिर से रह जाएगी। तो ये देखिए, मैंने बनाई थी आज मूली की भुर्जी, और सोना की चाय है, मेरी चाय है। और ये देखो, सोना ने कैसे आंखें बंद कर ली, क्योंकि जैसे मैंने कैमरा उसके ऊपर किया उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और यहाँ पर नाश्ता पानी सब हो चुका है, दोपहर का खाना भी हो गया है, अभी शाम का समय हो रखा है। और ये देखो, सोना ना कैसे कर रही है, वो गुस्सा हो रखी है, क्योंकि उसका जो मास्क है ना, वो नीचे जो एक लड़की है ना छोटे वाली, उसके पास है, और वो गुस्सा कर रही है कि आपने मुझे नया मास्क नहीं दिलाया इसलिए। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर, तो आज मैं यहाँ की चादर चेंज करूँगी, और सोफ़ा कवर वगैरह है वो भी चेंज करूँगी, क्योंकि फिर नवरात्रे लग जाएंगे इसलिए। तो ये सब मैं यहाँ पर आज चेंज कर दूँगी। और मैं तो जिस चद्दर को उतारती हूँ ना, उस चद्दर से पूरा पलंग झाड़ देती हूँ इस तरीके से ही,
क्योंकि इसको तो धोना ही है, इसलिए तो जो भी थोड़ी बहुत धूल होती है वो ऐसे कपड़े से अच्छे से झड़ जाती है ना, इसलिए फिर मैंने गद्दे पर भी पूरे पे चादर से झाड़ दिया था। और बस अब मैं यहाँ पर बिछा दूँगी बेडशीट, और उधर बाहर खड़ी है मेरी सास, तो ना वॉकर लेकर के चलती हैं, तो मोस्टली वो छज्जे पर ही रहती हैं, उनको बाहर देखना ये सब ना अच्छा लगता है, इसलिए तो बस अभी वो देखो आप थोड़ी देर में अंदर आ जाएंगी फिर बाहर चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये उन्होंने रखी हुई है चेयर और वो इस पर बैठती हैं, फिर बाहर की तरफ देखती रहती हैं। और यहाँ मैंने ये देखो सारे सोफ़ा कवर उतार दिए हैं, कुशन कवर उतार दिए हैं, और आज मैंने कालीन पर भी झाड़ू लगाई है, अभी शाम को ही लगाई है। और अभी मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि इन सब कपड़ों को मुझे मशीन में लगाना है, और सुबह जो मैंने कपड़े लगाए थे ना मशीन में, फिर मुझे फुर्सत ही नहीं हुई कि मैं आगे उन्हें निकाल लूँ। तो ये देखो ये सारे कपड़े, तो इनको मैं लगाऊंगी मशीन में, और ये वाले कपड़े जो मैंने पहले मशीन में लगा रखे थे इनको मैंने सुखा दिया है। अब वो वाले कपड़े या तो मैं रात को सुखाऊंगी जब मैं हैप्पी को खाना देने के लिए आऊंगी और उसको घुमाऊंगी, या फिर देखूंगी मॉर्निंग में जैसे भी टाइम लगेगा उसके हिसाब से मैं फिर ये वाला काम करूंगी, क्योंकि अभी ये कपड़े सूख जाएंगे तब तक ना, अभी तो टाइम लेगी मशीन ना, 1.5-2 घंटे का टाइम लेगी। और यहाँ पर अब चलते हैं नीचे, अभी हैप्पी बाहर ही बैठा हुआ है, इसका दिल करेगा तो उठ करके अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर मेरा भैया आया हुआ था और भतीजा आया हुआ है, तो भतीजा तो इनको लेने के लिए आया मेरे भैया को ना, तो ये लोग चले गए अपने घर। अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, अब रात के खाने की भी तैयारी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल शाम की चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना ऊपर ही काफ़ी देर लग गई, पेड़ों में मैंने पानी भी दिया और फिर कपड़े सुखाए, फिर जो वाले कपड़े थे वो मशीन में लगाए, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पर अब मैं चाय बनाऊंगी शाम की, और फिर देखते हैं रात के खाने में क्या बनेगा, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो जो भी कहेंगे वही बना दूँगी, इसलिए क्योंकि दिन में तो भुजी बना रखी थी, तो भुजी के साथ तो ये समझो भुजी तो जल्दी से ख़त्म हो ही जाती है, क्योंकि वो तो नहीं बचती, वैसे भी थोड़ी सी बनती है भुजी ना, 1 किलो मूली के आसपास थी, तो उसी के पत्तों से मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने जब जैसे मैं चाय बनाती हूँ वैसे मैं फिर दोपहर के बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, ये मेरा रोज़ का नियम ही है। बहुत कम होता है कि मैं दोपहर के बर्तन दोपहर को ही खाना खा करके साफ़ कर दूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है खाना खा के फिर थोड़ा थकान भी लगती है, फिर सो हो जाते हैं इसलिए। और आजकल तो ये हैं घर पर, तो कभी इनको दवाई लगाओ, कभी कुछ काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं इसलिए। तो बस अभी मैंने शाम की चाय के साथ ही ये देखो मैंने बर्तन भी अपने सारे साफ़ कर दिए दोपहर के, ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते हैं क्योंकि बड़े बर्तन कम ही होते हैं, प्लेटें वगैरह ही होती हैं, तो इसलिए कभी कभी होता है कि कोई बड़ा बर्तन होता है, अगर बच्चे कुछ बोले बनाने के लिए तो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, अब मैं चाय छानूंगी और हम लोग पियेंगे शाम की चाय। और यहाँ पर ये देखो सोना और सोना का फ्रेंड दोनों इस तरीके से आए एकदम से ना, ये दोनों पानी पियेंगे, और मैं इनको मना कर रही हूँ कि ना फ्रिज में से पानी मत लेना, क्योंकि थोड़ा मौसम वैसे हो रखा है ना इसलिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैंने फ्रिज में पानी वैसे कम ही भर रखा था, मैं पूछ रही हूँ क्या फ्रिज में पानी है, लेकिन वही ना बच्चे बड़ी तेज़ी से ना बटन दबाते हैं फ्रिज का ना, तो मैंने ख़राब करोगे उसको, आराम से करो इस काम को, इसलिए मैं इनको यही बोल रही थी। और यहाँ पे मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि चिमनी चल रही है ना, फिर चिमनी की ना आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है इसलिए। और यहाँ बस मैंने चाय छान ली है, तो हम सबकी चाय, मतलब हम सबकी मतलब मेरी, इनकी और मेरी सास की, तो हम तीनों की चाय, हम तीनों चाय पियेंगे, और बच्चे अगर कहेंगे तो फिर वो पियेंगे कॉफ़ी, तो देखते हैं अगर कहेंगे तो कॉफ़ी बनाऊंगी इनके लिए। तो चलिए शाम की चाय पी लेते हैं। और ये देखो हमारी चिमनी ना कभी इस तरीके कभी कभी इस तरीके से करती है, अपने आप ही ना ऑन ऑफ होती रहती है, कभी 1 पे जाएगी, कभी 2 पे जाएगी, कभी 0 पे आ जाएगी, इस तरीके से ना। तो जब फर्स्ट टाइम हुआ था फिर हमने कंप्लेंट की थी, तो उसने बोला इस टाइम हो, अगली बार कभी हो तो आप ना वीडियो बना लेना, तो मैंने उसी के लिए वीडियो बनाई है, उसको भेजूंगी और कंप्लेंट करेंगे इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का यही प्रेंट करते हैं, अब कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।